हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश और आपकी बुक का नेम है हनीकॉम। हनीकॉम से आपका फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चंस। हम इस लेसन के जो टेक्स्ट उसकी कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं, वर्ड मीनिंग्स डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर चुके हैं। केवल ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। सेंटेंसेस आपको दिए गए और बॉक्स में से आपको एप्रोप्रिएट सेंटेंस लेकर इनके साथ ऐड करने थे, ताकि ये जो कंप्लीट सेंटेंस बने ये मीनिंगफुल सेंटेंस बने। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया है, मैनी वाइज मैन answered the king's questions, हमने ऐड किया, but their answers were so varied that the king was not satisfied. Next हमारा sentence है, someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time. Third, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. Number 4, the king requested the hermit to answer 3 questions. Number 5, the king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. दोबारा से आप देख लीजिए, फर्स्ट आपने कैसे किया, many wise men answered the king's questions, but their answers were so varied that the king was not satisfied. Number 2, someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time. Number 3, someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. Number 4, the king requested the hermit to answer 3 questions. Number 5, the king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. Second question हम discuss करते हैं, each of the following sentences has 2 blanks, fill in the blanks with appropriate forms of the word given in brackets. देखिए, एक sentence दिया गया है, उसमें 2 blanks, आपको हर एक sentence में 2 blanks दिए गए हैं और एक ब्रैकेट में आपको एक वर्ड दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यहां लेते हैं, ही हैज ब्लैंक टू हेल्प मी, फुल स्टॉप, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज ब्लैंक और क्वेश्चन मार्क। जो आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया वो है प्रॉमिस, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। तो देखिए, हमने क्या किया, ही हैज आया था, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हैं, प्रॉमिस की थर्ड फॉर्म प्रॉमिस हो गया, ही हैज प्रॉमिस टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल आया है, ही विल, सेंटेंस के अंदर जब आपका यहां विल आ गया तो आपको इसके बाद में जो ब्लैंक होगा वहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, ही हैज प्रॉमिस टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। ये इस तरीके से आपको एक ही वर्ड को अलग अलग आप कहें फॉर्म्स में यूज करना है इन 2 ब्लैंक्स में, और उससे जो सेंटेंस बनेगा वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया, द ब्लैंक सेड द ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज ब्लैंक, और यहां वर्ड दिया गया जज। तो यहां फर्स्ट ब्लैंक में हमने जज फिल कर दिया, नेक्स्ट में हमने जजमेंट फिल कर दिया। देखिए कैसे बना, द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, क्या हिंदी बनती है, जज ने कहा, जज साहब ने कहा कि केवल फ्रेश एविडेंस, ताजा जो गवाही है, वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, वो ही उन्हें अपना जो जजमेंट है, अपना जो फैसला है, वो उनसे बदलवा सकती थी या बदलवा सकती है। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस, केवल ताजा गवाही जज साहब से उनका फैसला बदलवा सकती थी। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। नेक्स्ट, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस ब्लैंक
ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे ब्लैंक फ्रॉम वन अनदर और स्मॉल पॉइंट्स, और आपको वर्ड दिया गया डिफर. आपने फर्स्ट ब्लैंक में फिल किया डिफरेंस और नेक्स्ट ब्लैंक में फिल किया डिफर. आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द डिबेटर्स ऑल्दो दे डिफर फ्रॉम वन अनदर और स्मॉल पॉइंट्स. नंबर थ्री, इट इज ए फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू ब्लैंक बट विल यू एक्सेप्ट माई ब्लैंक एज फाइनल, और आपको वर्ड दिया गया आंसर. दोनों ही ब्लैंक्स में आपने आंसर फिल किया है. इट इज फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल. नंबर फोर, इट इज नॉट ब्लैंक दैट ब्लैंक शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, और आपको वर्ड दिया गया है नेसेसरी. तो देखिए, फर्स्ट ब्लैंक में आपने फिल किया नेसेसरी और सेकंड ब्लैंक में आपने फिल किया नेसेसिटी. नेसेसरी जरूरी होता है, नेसेसिटी जरूरत होता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन. नंबर फाइव, हर्मिट्स आर ब्लैंक मैन फुल स्टॉप. हाउ दे एक्वायर देयर ब्लैंक नो वन कैन टेल, और वर्ड दिया गया आपको वाइज. वाइज वाइज बुद्धिमान, विजडम बुद्धिमता. हर्मिट्स आर वाइज मैन. How they acquire their wisdom, no one can tell. जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और वो अपनी बुद्धिमता कैसे एक्वायर करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कोई नहीं बतला सकता. नंबर सिक्स, द कमेटी हैज ब्लैंक टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम फुल स्टॉप. द ब्लैंक इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन. वर्ड आपको दिया गया डिसाइड. तो आप देखिए, हैज आया है, तो हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, डिसाइड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिसाइडेड. The committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. Last आपका सेंटेंस है जिसमें टू ब्लैंक्स में आपको जो forgive word है उसकी platforms use करनी है. Asking for blank is as noble as willingness to blank forgive. Forgive आपको word दिया गया है, तो देखिए, asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. इस तरीके से आप यहां यूज करेंगे. स्टूडेंट्स, थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. और इसी के साथ आपका जो ये लेसन है थ्री क्वेश्चंस, इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स यहां डिस्कस किए जा चुके हैं. ये वॉल्यूम नंबर सिक्स है. बाकी सभी जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ, आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएंगी. और आपसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, लर्न और रिवाइज करें. आपने एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही अच्छी तैयारी शुरू कर दें. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.